गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से मैंने एडसेंस से अप्रूवल लिया, वो भी एक नई वेबसाइट के लिए, और जिसमें सिर्फ 5 आर्टिकल लिखे गए, और 5 आर्टिकल लिख के जो है मुझे एडसेंस का अप्रूवल मात्र 5 घंटे के अंदर जो है वो मुझे मिल गया। अब ये 4 से 5 घंटे के अंदर ही अप्रूवल एडसेंस ने क्यों दिया, क्या चीजें मैंने ऐसे करी, ये सारी चीजें मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं, और सारी डिटेल जो मैंने करी है वो आपको भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग भी अगर एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं और वो भी 4-5 घंटे के अंदर अप्रूवल लेना चाहते हैं, वो भी नई वेबसाइट के लिए, तो ये किस तरह से लिया जाता है, क्या ऐसा करना पड़ता है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपको कवर करने पड़ते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, मैं पूरा 100% आपको जो चीजें मैंने करी है सारी ओपन दिखाऊंगा, कुछ भी हाइड नहीं करूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर जो है मैं डेली बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह अपलोड करते रहता हूं, बताते रहता हूं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे वहां पर पूछेंगे तो तुरंत आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, वहां जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अभी बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया, वो भी सिर्फ 5 आर्टिकल लिख के, और सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर ही मुझे ये अप्रूवल मिल गया। अभी इसका पूरा 100% जैसे कि मैंने आपको बोला विद प्रूफ दिखाऊंगा, और वो सारी चीजें बताऊंगा जो चीजें मैंने करी हैं, और आप भी ये करके जो है पूरा एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो चलिए लेके चलता हूं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि क्या मैंने ऐसा करा और मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल गया। सो गाइस, हम आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहां पर है मेरी एक नई वेबसाइट जिसका नाम है jeethosting.com। तो ये वेबसाइट एक मेरा नया डोमेन है जो मैंने अभी जस्ट जो है इंप्लीमेंट करा है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि क्या है, किस तरह से। तो यहां पे जो है आप देख सकते हैं, ये मेरा एक ऐड चल रही है, ये तो मेरे एफिलिएट अकाउंट की है, यानी कि अमेज़न की है। लेकिन गूगल की ऐड की बात करूं तो, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, पहले यहां पे काउंट कर लेते हैं कि कितने आर्टिकल मैंने लिखे हैं। तो पहला ये आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, चौथा आर्टिकल, और ये 5वां आर्टिकल, बस इतने ही आर्टिकल लिखे गए। ये वापस उसी का कुछ रिपीट आ रहा है। तो ये 5 आर्टिकल के बेस के ऊपर ही मुझे एडसेंस का अप्रूवल दे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे एड, गूगल की एड यहां पे चल रही है, और नीचे भी आप देख सकते हैं यहां पे 3, 4 और 5, ये 3 ब्लॉगिंग गाइड में है, 1 डिजिटल मार्केटिंग में है, और 1 विशिंग वायरल स्क्रिप्ट के अंदर है। तो ये 5 आर्टिकल ही लिखने के बाद जो है मुझे अप्रूवल मिल चुका है। तो अब मैं आपको यहां पे कोई भी एक यहां पे ले लेते हैं हम, ये मैं क्लिक कर देता हूं एक किसी भी ब्लॉग के ऊपर। तो यहां पर जो है मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल की एड्स और भी लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहां पे वेबसाइट की स्पीड भी जो है वो कोई इतनी खास नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसके बावजूद भी जो है ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो अब ये देख सकते हैं ये पूरा आर्टिकल जो है ये मैंने लिखे हैं इस तरह से, काफी डिटेल में आर्टिकल लिखे हैं जो भी लिखे हैं। अब उसके बावजूद जो है अभी इसमें मैंने क्या करा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। देख सकते हैं ये आर्टिकल कितना लंबा लिखा गया है, और यहां पे अगर कोई भी हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2020 बेस्ट निश फॉर ब्लॉगिंग जो है, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये जो है हमारी ब्लॉगिंग का आ रहा है, और यहां पर जो है ये सारी चीजें आप देख सकते हो कितने हमने जो चीजें लिखी है वो डिटेल में लिखी है। अभी इसको पूरा अच्छे से मैं डिस्क्राइब करता हूं, तो ये देख सकते हैं ये पूरा यहां तक लिखा गया है, ठीक है जी। अब वापस चलते हैं हमारे इसके बैक पैनल पे, जहां पे मैं आपको पहले प्रूफ दिखा दूं, उसके बाद मैंने करा क्या है वो बताता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे पहला जो आर्टिकल मैंने लिखा जो कि अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है वो था 25 नवंबर 2019 को, और यहां पे मेरा एसईओ का स्कोर भी आप देख पा रहे हो कि ज्यादा मैंने एसईओ स्कोर के ऊपर भी कुछ खास नहीं करा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहां पे अप्रूवल मिल चुका है। पहला जो मैंने आर्टिकल पब्लिश करा था वो है 30 नवंबर 2019 को, दूसरा आर्टिकल 2 दिसंबर को, तीसरा आर्टिकल 5 दिसंबर को, और चौथा आर्टिकल 12 दिसंबर को, और 5वां आर्टिकल 17 दिसंबर को किया गया है। अब यहां पे थ्रैश के अंदर, क्योंकि ये मेरी एक पेड थीम है,
तो पेड थीम के वजह से यहां पे बहुत ही जो एक डमी कंटेंट होता है तो वो यहां पे डला हुआ आप देख सकते हैं, ये सारा डेमो जो है डला हुआ है, तो इन सबको मैंने यहां से रिमूव किया है। तो ये वही थ्रैश के अंदर दिख रहा है, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे ये पांच ही आर्टिकल हैं जो मैंने पब्लिश करे हैं और इन्हीं के बेस के ऊपर में जो है मुझे अप्रूवल मिला है। तो अभी मैं आपको कल इसका गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिखाता हूं। तो कल 19 दिसंबर थी और 19 दिसंबर को दोपहर में करीब 12 एक बजे के करीब मैंने इसके लिए अप्लाई करा था और आप देख सकते हो 19 दिसंबर को 5:07 में मेरे पास जो है ये मेल आ गया था गूगल की तरफ से, जहां पे मुझे गुड न्यूज दी गई थी और लिखा गया था योर साइट jeethosting.com इज नाउ रेडी टू शो एड्स एडसेंस एड्स। तो ये जो है मुझे यहां पे दे दिया गया था अप्रूवल। तो ये मैंने दिखा दिया सारे प्रूफ आपको, जो प्रूफ अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सारे जो चीजें हैं वो अप्रूवल मिल गई। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका वेबसाइट का पहला जो बोलते हैं वेबसाइट डिजाइन आपका जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो डिजाइन की बात करें तो यहां पे क्योंकि मैंने जो है यहां पे पेड थीम का इस्तेमाल करा है तो उसमें मुझे कोई और एडिशन करने की या फ्री कोई स्क्रिप्ट यूज करने की या कोई फ्री थीम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास ये पेड थीम अवेलेबल थी तो मैंने वही इंस्टॉल कर दी, जिससे लुक एंड फील जो है वो डेफिनेटली वेबसाइट का बनता है। दूसरी चीज यहां पे कंटेंट शुड बी यूनिक, जो आप कंटेंट लिख रहे हो, जो आप आर्टिकल लिख रहे हो अपने ब्लॉग के अंदर वो यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा के डाल दिया तो उसमें जो है आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। आपने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है जब आप लिखते हो चीजें तो वो गूगल को डेफिनेटली गूगल की जो टीम है वो चीजों को एनालाइज करती है, उनके पास बहुत ही अमेजिंग सिस्टम्स अवेलेबल है जिसके द्वारा जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपके जो कंटेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। और उसके बाद तीसरा जो है आपका जो कंटेंट है वो एज पर एसईओ पॉलिसीज होना चाहिए, मतलब जो एसईओ की गाइडलाइन दी गई है वो होना चाहिए। यहां पे एसईओ का कहने का मतलब है कि यहां पे कोई भी कीवर्ड आप लेके अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो उसमें जो है आपको ओवर स्टफिंग नहीं करना, मतलब जो कीवर्ड्स हैं वो ज्यादा ओवर स्टफ नहीं करने, जितने आपको चाहिए दो या तीन चाहिए उतने ही लो, उससे ज्यादा मत करो। कंटेंट जो लिखो वो बहुत ही अच्छे से लिखो, राइट। तो यहां पे जैसे कि चेंज ब्लॉगर थीम टू प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिव थीम, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है ना। अब आपको मैं ये थोड़ा सा दिखाता हूं तो आप देख सकते हो यहां पे जो है ये एड आ रही है, यहां पे हमारा आर्टिकल शुरू हुआ है, ये भी गूगल की एड आ रही है। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहां पे हमने कुछ इंट्रोडक्शन टाइप दिया है कि यहां पे आपको करने क्या वाले हैं। इन दिस ब्लॉग आई विल शोइंग स्टेप बाय स्टेप हाउ टू चेंज योर डिफॉल्ट ब्लॉगर थीम टू रेस्पॉन्सिव प्रोफेशनल लुकिंग थीम। तो अगर कोई इंसान आप कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है तो वो ये पहली एक लाइन देख के ही समझ जाएगा कि आप इस आर्टिकल के अंदर क्या बताने वाले हो। उसके बाद जो है यहाँ पे उस थीम को आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी दे सकते हो अगर आपके पास सोर्स अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड के लिए लगा दिया। उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाया तो मैंने वीडियो भी यहाँ पे इंटीग्रेट करा। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट जिसके अंदर यहाँ पे पूरा स्टेप बताया कि पहले आपको डाउनलोड करना है फिर इंस्टॉल कैसे करना है, यहां पे देख सकते हो आप पूरे स्टेप बाय स्टेप लिया है। उसके साथ साथ में यहां पे उसके स्क्रीनशॉट लेकर जो है पूरा यहां पे भी पब्लिश इमेजेस भी डाली है ताकि जो भी उसको देख रहा है पढ़ रहा है उसको पूरी अच्छे से चीजों को समझ में आए। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा आप देख सकते हो यहां पे आर्टिकल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसमें जो है आपके करीब ये आपको टारगेट लेके चलना कि आप जो लिख रहे हो उसमें करीब 1000 वर्ड्स होना जरूरी है, ये आपको एक मान के चलना है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमें मैं लेके चलता हूं आपको अबाउट अस। तो मैं अबाउट अस आपका जो है वो होना चाहिए, ये आपकी चौथी रिक्वायरमेंट है, अबाउट अस सेक्शन होना चाहिए ताकि जो है आप पता चल पाए आपके बारे में। तो यहां पे मैंने मेरे बारे में पूरी डिटेल लिखी है कि मैं कब से कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे कैसे करता हूं, मेरा क्या क्या चीजें हैं, वो सारी डिटेल मैंने यहां पे लिस्ट करी है पूरे अच्छे से। यहां पे मैंने मेरे बारे में एक्सप्लेन किया है और एक्सप्लेन करके जो है यहां पे पूरी डिटेल मैंने डाली, ये मेरे अबाउट मी डाली है, राइट। तो उसके बाद जो है यहां पे कॉन्टेक्ट अस पेज होना जो पांचवी रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉन्टेक्ट अस।
कॉन्टेक्ट अस में भी आप जो है पूरा अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से लिखो, अपना एड्रेस वगैरह दो, अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे सकते हो अगर देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो आप ईमेल आईडी दे दो। फिर उसके बाद अगर वो भी कोई नहीं इससे कंफर्टेबल है तो आप नीचे एक फॉर्म डालो, इंक्वायरी फॉर्म, वो भी आपको डालना अनिवार्य है। तो ये पांच चीजें आपको करनी है और ये पांच चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी वेबसाइट पे जो है Amazon की वे एड चल रही हैं, Google का AdSense अप्रूवल भी मिल चुका है, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि ये जो मेरी एक नई वेबसाइट है जिसके ऊपर जो है मैंने अप्रूवल लिया वो भी 4 से 5 घंटे के अंदर। तो आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और गाइज मैं वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई वैसी वेबसाइट है जिसपे आपको लगता है कि वो एडसेंस के लिए आपको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो जो है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जो है लिंक दे सकते हो, तो मैं उसको एक एनालाइज कर दूंगा। एनालाइज करने के बाद आपको बता दूंगा कि कहां पे आपको जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या चीजें आपको चेंज करनी चाहिए, तो उसके बाद ही अगर आप एडसेंस के लिए अप्रूवल डालेंगे तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा क्योंकि आपको वन शॉट के अंदर जो है मिल जाएगा एडसेंस का अप्रूवल। आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।